अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी गोलगप्पे या पानी पूरी की कंप्लीट रेसिपी, तमाम चटनियों और पानी के साथ। कंप्लीट डिटेल रेसिपी होगी ये, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप मैंने अपने चैनल का नाम मल्टी रिव्यूज़ से इजी रेसिपीज़ कर दिया है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। ये आप देखें कितने क्रिस्पी हैं। चलिए अब हम गोलगप्पों की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं: 1 कप सूजी, 1 टेबलस्पून मैदा, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 कप नीम गर्म पानी। अब हम अपने इंग्रेडिएंट्स बाउल में डाल देंगे। इसकी क्वांटिटी आपने इंक्रीज नहीं करनी। ये सॉल्ट, अब हम इसको इसकी डो बनाना स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। अब हम इसको मिक्स करेंगे। पहले हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। वाटर नीम गर्म लेना है, ज्यादा गर्म ना लीजिएगा। आप देखिए इसको यूं आपने करना है, बहुत ज्यादा वाटर ऐड नहीं। ये आप देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड कर रही हूँ। गोल गप्पों की डो टाइट होती है, इसको बिल्कुल भी आपने नरम नहीं गूंदना। इसको यूं करके ज्वाइन करना शुरू करें, साथ साथ इसको रब करेंगे। ये देखिए आप, देखिए हमारी डो बनना शुरू हो गई है, कंबाइन हो गई है, लेकिन अभी ये दानेदार फॉर्म में है। हम इसको इतना रब करेंगे कि अपने हैंड से कि ये बिल्कुल ज्वाइन हो जाए और यूनिफॉर्म सी डो तैयार हो, बिल्कुल प्लेन डो हो जाए। इस तरह से आपने डो को बार बार ये वाला प्रोसेस आपने रिपीट करना है। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ये वाला प्रोसेस करेंगे, आपके गोलगप्पे उतने अच्छे और उतने जल्दी तैयार होंगे। आप गौर से देख लें, आप मेरी डो की फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको घूमना नहीं है। ये देखें आप, ये प्रोसेस करते हुए मुझे 15 मिनट्स हो चुके हैं और आप ये देखें कि डो की फॉर्मेशन कितनी चेंज हो गई है। ये देखें आप, बहुत प्लेन होती जा रही है, ये आप देख लें। अब हम इसको अपनी डो को कवर करके 20 मिनट्स के लिए या हाफ आवर के लिए कवर करके रख देंगे, उसके बाद का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। अब हमारी डो रेडी हो गई, अब हम इसको मज़ीद थोड़ा सा पंच कर लेंगे। ये आप देखें डो कितनी फॉर्म में आ गई है, जब आप स्टे देंगे तो डो ऑटोमेटिकली फॉर्म में आ जाएगी। डो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और ये जो हमारी शेल्फ है इसको मैंने इसके ऊपर फ्लोर डाल लिया था। अब हम इसको रोलिंग पिन से रोल करेंगे। हमारी जो डो थी उसको मैंने बेल लिया रोलिंग पिन से और अब ये देखें काफ़ी फ्लैट हो गई है। आपने इसको जितना पॉसिबल हो उतना पतला बेल लें। अब एक कटर लेके जो भी आप साइज़ चाहते हो उस साइज़ के आपने गोलगप्पे कट करने हैं। आप लार्ज साइज़ चाहते हो तो आप लार्ज कर लीजिएगा, वैसे मीडियम साइज़ प्रेफर करना चाहिए, ना स्मॉल साइज़ के अच्छे लगते हैं और ना लार्ज साइज़ के, तो मैं मीडियम साइज़ ले रही हूँ। ये आप देखिए हम शेप्स कट कर रहे हैं। ये आप देख लें इसकी थिकनेस, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब हमने अपने
आपने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। गोलगप्पों को बनाने के लिए ऑयल बिल्कुल भी लो फ्लेम पर नहीं होना चाहिए। मीडियम हो, बेशक हाई हो जाए, लेकिन लो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके अंदर आप गोलगप्पा डालें ऑयल के अंदर और उसको फौरन से प्रेस कर दें। आपका गोलगप्पा उसी वक्त फूल जाएगा। ये आप देखें, ये फौरन से फूल जाएंगे यूं। आपने 20 सेकेंड्स दोनों साइड से इसको फ्राई करना है। इस तरह से ये आपके भी फूलेंगे। और आपने अपने फ्लेम को मीडियम रखना है, बिल्कुल भी आपने लो नहीं करना, फ्लेम का बहुत ताल्लुक होता है। 20 सेकेंड्स तक फ्राई करें, लाइट ब्राउन सा कलर आएगा, फिर आपने टर्न करना है। ये आप देखिए कितना प्यारा फूला है, उसी वक्त ऑयल में जाते ही आपके भी फूल जाएंगे। ये आप देखिए, ये मैंने डाला है और साथ ही फूल गया। इसको भी आपने 20 सेकेंड्स एक साइड से और 20 सेकेंड्स दूसरी साइड से। मैं एक एक करके डाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। आप अगर प्रैक्टिस हो तो आप दो तीन भी डाल सकते हैं। वैसे कोशिश करिएगा कि आप एक एक करके डालें, आपके सही बनेंगे उससे, अगर आप ज़्यादा नहीं बना रहे तो। ये आप देखें कितना क्रिस्पी है और ये फूल गया है। ये आप साइड से भी देख लें, गोलगप्पा कितना अच्छा फूला है। अगर आप मेरी रेसिपी से और तमाम मेथड उसी के फॉलो करेंगी तो आपका गोलगप्पा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा फूलेगा। इस चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा आप, बस जो मैंने आपको रेसिपी बताई है आप उसके अकॉर्डिंग बनाइएगा, इंग्रेडिएंट्स कम ज़्यादा ना करिएगा, और जो मेथड और टाइमिंग मैंने बताया है आप उसको फॉलो करिएगा। ओके, हमारे गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बनाया है, आप ज़्यादा बना लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा की ज़रूरत हो, या कम, जैसे भी आपकी नीड हो। अब हम इसकी आवाज़ से चेक करते हैं कि ये कितने क्रिस्पी और क्रंची हैं। ये आप देखें कितने क्रिस्पी हैं, आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा आवाज़ से ही। ये आप देख लें, आपके भी बिल्कुल इसी तरह से होने चाहिए। खट्टे पानी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हम गोलगप्पे या पानी पूरी के साथ सर्व करने वाला पानी बनाएंगे। इसके अंदर, ये बहुत हेल्दी होता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने लिए हैं मिंट लीव्स, पुदीना, ये मैंने वॉश करके रखा है। ये देखिए आप, इसकी इतनी क्वांटिटी भी काफ़ी है। इसके बाद मैंने लिया है अदरक पाउडर, इसको सूंठ पाउडर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और गोलगप्पों के पानी में इंतहाई ज़रूरी होता है। जो बेसिक रेसिपी है गोलगप्पों की, ये इसमें ज़रूर डलता है। बहुत कम लोग इसके बारे में बताते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उसके पानी को बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। ये मैंने लिया है हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट, यानी कि काला नमक, मैंने लिया है हाफ टी स्पून। ये मैंने टाटरी ली है, ये देख लें ये इस तरह की होती है। इसकी क्वांटिटी आप स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इसकी जगह आप लेमन जूस या विनेगर की क्वांटिटी इंक्रीज कर लीजिएगा। ये मैंने हाफ टी स्पून ली है। ये अजवाइन है 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट 1.5 टीस्पून, और ये रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर डालकर इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे और इससे हमारा बहुत मज़े का खट्टा गोलगप्पों के साथ सर्व करने वाला पानी तैयार होगा। अब हम अपने तमाम अज्जा ब्लेंडर के अंदर डाल देंगे। ये ब्लैक सॉल्ट और सूंठ, यानी कि अदरक पाउडर, जीरा, टाटरी, सॉल्ट और रेड पेपर डाल दिया। अब हम इसके अंदर लास्ट अजवाइन डालेंगे। अब हमें ब्लेंड करने के लिए जितना पानी चाहिए वो ऐड कर लेंगे। अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करिएगा, सारे स्पाइसेस जो है वो पानी में मिक्स हो जाएं। ये ब्लेंड किया हुआ मिक्सर एक सॉस पैन या देगची में डाल लें और उसमें 4 ग्लास वाटर ऐड कर दें। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए ये पानी 15 मिनट से उबल रहा है, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें आप।
ये देखें पतला होना चाहिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर लेमन जूस और इमली का पल्प डालेंगे। अब हमारा जो खट्टा पानी है इसके अंदर हम लेमन जूस डाल देंगे। ये आप देख लें 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, ये डाल देंगे। आप इसकी जगह विनीगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 2 टीस्पून इमली का पल्प डाल दूंगी, ये इसको खट्टा फ्लेवर देगा। ये देखिए अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये आप देख लें इसकी कंसिस्टेंसी, 3 से 4 मिनट तक बस और पकेगा और फिर इसको ठंडा करके आपको दिखाएंगे। ये आप देखें हमारा पानी पूरी का पानी रेडी हो चुका है। इसको मैंने 5 मिनट मजीद पकाकर ठंडा कर लिया, फुल ठंडा हो चुका है ये। अब हम इसके अंदर आइस क्यूब्स ऐड करेंगे, ये लाजमी ऐड होते हैं इसके अंदर क्योंकि गोलगप्पों के साथ जो पानी होता है वो ठंडा सर्व किया जाता है। अब इसकी कंसिस्टेंसी नोट कर लें आप, बिल्कुल मार्केट जैसी है। अब हम आपको इसका फ्लेवर बताते हैं, बहुत मज़े का है, बाजार से भी ज़्यादा मज़े का बना है। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको बता रही हूँ इमली की चटनी बनाने का तरीका। इमली की चटनी रमज़ान में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी रेसिपी मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल और ऑथेंटिक बताऊंगी। ये आप पकौड़ों, समोसों, रोल्स, किसी भी चीज़ के साथ बनाकर खा सकते हैं। ये एक तो हेल्दी बहुत होती है और दूसरा इसका ये बहुत चटपटी और मज़े की लगती है। मैं आपको ये आप गोलगप्पों के साथ भी खा सकते हैं, ये मीठी चटनी होगी इमली की और ये हर घर में बननी चाहिए क्योंकि इमली बहुत फ़ायदेमंद होती है। मैंने इमली ली थी 250 ग्राम्स एक पाव, उसको मैंने पानी डालकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया। अब हम इसकी गुठलियाँ और इमली को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया। अब इसकी गुठलियाँ सेपरेट कर लेंगे। ये मैंने गुड़ लिया है, ये एक मैंने बड़ा पीस लिया था उसको छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। इसकी क्वांटिटी आप देख लें, आपको अगर गुड़ नहीं पसंद तो आप इसकी जगह शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इमली की गुठलियाँ अलहदा कर लेंगे और पल्प अलहदा कर लेंगे। तरीका बता देती हूँ, ये आप देखें आप हाथ लगाएंगे तो ये गुठली है, गुठलियों को अलहदा कर लेंगे और पल्प को इसी बाउल में रहने देंगे। ये आप देखें अगर आपने इमली सही तरह से भिगोई हुई है तो बहुत जल्दी से आपकी इमली की गुठलियाँ सेपरेट हो जाएंगी। ये आप देखें हमने इमली का पल्प सेपरेट कर लिया है और इसकी गुठलियाँ सेपरेट हो गई हैं। अब हम इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारी चटनी जो है वो स्मूथ बने। चलिए कोई भी नहीं गुजरी। अब हम इमली के पल्प को ब्लेंड कर लेंगे। ये आप देखें ब्लेंड होकर पल्प कितना स्मूथ हो गया। अब हम इसको एक सॉस पैन के अंदर डालेंगे। अब हम अपना एक सॉस पैन में इमली का पल्प सारा ऐड कर देंगे। इसके अंदर जो गुड़ हमने पीसेस करके रखा था वो सारा डाल देंगे। अब हम सॉल्ट और रेड चिली पाउडर जो मैंने निकाल कर रखा था वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 1 कप वाटर ऐड कर देंगे जिसके अंदर ये इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी पकेगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको चूल्हे पर दरमियानी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। इसकी थिकनेस नोट कर लें आप, इसका मॉइस्चर काफ़ी हद तक ड्राई कर लेंगे हम और हमारी मज़ेदार इमली की खट्टी मीठी चटनी रेडी हो जाएगी। देखिए ये हमारी इमली की चटनी बॉयल हो रही है, अभी भी इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर है। ये 5 मिनट्स तक और पकेगी, बॉयल होगी, फिर हम इसको इसका चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा कर लेंगे। हमारी इमली की चटनी काफ़ी थिक हो गई है, आई थिंक इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है। 1 to 2 मिनट्स मज़ीद बॉयल करूँगी और फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। देखिए हमारी मज़ेदार खट्टी मीठी चटपटी इमली की चटनी रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें आप, अगर आप थोड़ा सा थिक करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे ये रीज़नेबल कंसिस्टेंसी है जो आप रमज़ान में यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फ्रिज में इसकी बॉटल बनाकर रखें और रोज़ अफ्तारी में इसको समोसे, पकोड़े, जो भी आप बनाते हैं उनके साथ सर्व करें। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, मैंने आपको पहले भी बताया। मैंने फुलकियाँ पानी में सोख करके 1/2 घंटे के लिए रख दी, जब वो सॉफ्ट हो गई तो उनका पानी ड्रेन कर लिया। एक प्याज मैंने क्यूब कट कर लिया, एक टमाटर क्यूब कट कर लिया, 2 पोटैटोज़ बॉयल करके उनको कट कर लिया,
दही का रायता बना लिया। अब मैं ये तमाम चीज़ें अपने गोलगप्पों के अंदर फिल करूँगी। आप भी इस तरह बनाएं और इंजॉय करें, अपनी फैमिली को सर्व करें, रमज़ान में बनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, इससे मुझे सपोर्ट मिलेगी। अल्लाह हाफिज़।